हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जलझूलनी एकादशी कहते हैं। इसे परिवर्तिनी एकादशी, पद्मा एकादशी, वामन एकादशी एवं डोल ग्यारस आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान वामन की पूजा की जाती है। कुछ स्थानों पर ये दिन भगवान श्री कृष्ण की सूरज पूजा, जन्म के बाद होने वाला मांगलिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। शिशु के जन्म के बाद जलवा पूजन, सूरज पूजन या कुआं पूजन का विधान है। उसी के बाद अन्य संस्कारों की शुरुआत होती है। यह पर्व उसी का एक रूप माना जा सकता है। शाम के वक्त भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को झांकी के रूप में मंदिर के नजदीक किसी पवित्र जल स्रोत पर ले जाया जाता है और वहां उन्हें स्नान कराते हैं एवं वस्त्र धोते हैं और फिर वापस आकर उनकी पूजा की जाती है। इस दिन व्रत किया जाता है। कई जगह भगवान की इस झांकी को देखने के बाद व्रत खोलने की परंपरा है। झांकी में भगवान को पालकी यानी डोली में ले जाया जाता है, इसलिए इसे डोल एकादशी भी कहते हैं। एक मान्यता यह भी है कि भगवान विष्णु इस दिन करवट बदलते हैं। इस बदलाव के कारण इसे परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं। देखा जाए तो यह मौसम में बदलाव का भी सूचक होता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा होती है, इसलिए वामन एकादशी भी कहा जाता है। पहले वाली कथा इस प्रकार है। सूर्यवंश में मांधाता नामक चक्रवर्ती राजा हुए। उनके राज्य में सुख संपदा की कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुख से जीवन व्यतीत कर रही थी, परंतु एक समय उनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। प्रजा दुख से व्याकुल थी। तब महाराज भगवान नारायण की शरण में जाते हैं और उनसे अपनी प्रजा के दुख दूर करने की प्रार्थना करते हैं। राजा भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करता है। इस प्रकार व्रत के प्रभाव स्वरूप राज्य में वर्षा होने लगती है और सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं। राज्य में पुनः खुशियों का वातावरण छा जाता है। इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन सामर्थ्य अनुसार दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जलझूलनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत करता है, उसे भूमि दान करने और गोदान करने के पश्चात मिलने वाले पुण्यफलों से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दूसरी कथा है वामन अवतार कथा। सत्ययुग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं देवमाता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक बार जब बलि महान यज्ञ कर रहा था, तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में गए और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए और उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया, लेकिन बलि ने फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती दान देने का संकल्प ले लिया। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर 1 पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्ग लोक नाप लिया। जब 3रा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि के सिर पर पग रखने से वह सुतलोक पहुंच गया। बलि की दानवीरता देखकर भगवान ने उसे सुतलोक का स्वामी भी बना दिया। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें स्वर्ग पुन लौटाया। दोस्तों, आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।